हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? तो देखिए, डॉग फ्लावर में बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगी। मैं इतना छोटा सा प्लांट लाई थी, इतना छोटा सा मैं प्लांट लाई थी, एक स्टिक भी नहीं थी इसकी। और देखिए कितना अच्छे से अब इसने ग्रोथ बढ़ा ली है और अच्छे से फ्लावरिंग भी करने लगा है। मुझे डॉग फ्लावर कॉम्बिनेशन में लगाना, रेड वाइट, पिंक वाइट, यानी मैजेंटा वाइट, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। येलो कलर भी इसका बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड। कल मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी फ्रेंड्स। ये देखिए डॉग फ्लावर जब ये ऐसे मुँह खोलता है ना तो डॉग की तरह, तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए और ये देखिए हमारा साल्विया भी कितने अच्छे से ग्रोथ पे है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ये स्टिक जो खिल चुकी है मैं इसको कट कर दूंगी फ्रेंड। नीचे से देख रहे हैं आप, ये जब मैं कट करूंगी फ्रेंड इस तरह से हटा देनी है, तो इसमें से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, नए नए फ्लावर आएंगे। और देखिए कितना खूबसूरत लगता है। मुझे रेड कलर का बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट ईयर मेरे पास 5 कलर के थे साल्विया, इस बार ज़्यादा कलेक्शन हमारे इलाहाबाद में आए नहीं है फ्रेंड्स। खैर जो मिला मैं ले आई, ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास इस बार, मगर फिर भी जो है वो आपसे मैं शेयर करती रहती हूँ। देखिए ये हमारा खूबसूरत एस्टर, बहुत खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड। इतना प्यारा लग रहा है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। इसका जो रियल कलर है वो शायद कैमरे में ना रहा हो एस्टर का, आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना खूबसूरत कलर है इसका, कि मैं इसका तो इस बार सीड सेव करने के मूड में हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। फिलहाल अब हम बात करते हैं आज अपने प्लांट अलाइसम पे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है अलाइसम। मैं सोच रही थी थोड़ा रुक के मैं वीडियो बनाऊं, मगर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलिए शेयर कर देते हैं आपसे। इतना खूबसूरत प्लांट जो है, मैं छोटी सी कटिंग लाई थी इसकी 20 रुपीज़ की, बहुत छोटी सी सैपलिंग थी फ्रेंड। और देखिए बहुत जल्दी इसने कवर कर लिया एक महीने में। फर्टिलाइज़र क्या देना है, मस्टर्ड के का ही फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ और मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है। वाटरिंग एक दिन छोड़ के करती हूँ, जब मिट्टी सूख जाती है तभी मैं पानी डालती हूँ। और मिट्टी जब मैंने बनाई थी फ्रेंड इसकी, तो एक पार्ट रिवर सेंड, एक पार्ट गार्डन सॉयल और एक पार्ट काउडंग लेकर मैंने मिट्टी बना ली थी। कुछ दिनों बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड और नीम की खली और मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और कभी कभी मैं अपने प्लांट में 10 दिन में 15 दिन पर विंटर फ्लावरिंग प्लांट पर DAP डाल देती हूँ। DAP का यूज़ आप कर सकते हैं फ्रेंड, पेरिनियल प्लांट में नहीं करना चाहिए, और सीजनल प्लांट में आप कर सकते हैं। क्योंकि जो सीजनल प्लांट होते हैं ना फ्रेंड, उसमें आप DAP का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल जो होती है बहुत कम होती है, तो 6 महीने से भी कम होती है उनकी। अप्रैल तक ये फ्लावर चलेंगे फ्रेंड्स, तो आप DAP का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसकी भीनी भीनी सी महक अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके कई कलर आते हैं, मेरे पास एक पिंक भी है, मगर उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैंने उसको लगा रखा है हिबिस्कस के नीचे, मैंने आपसे शेयर किया था। और मेरे पास ये वाइट है, लास्ट ईयर भी मेरे पास 3 कलर थे, पिंक, रानी और मैजेंटा, और ये वाइट कलर में 3 कलर में था मेरे पास। बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड ये कलर, वाइट भी बहुत अट्रैक्ट करता है। हैंगिंग बास्केट में इसको लगाएंगे तो भी क्या 4 चांद लग जाएगा आपके गार्डन में। तो आप इसके एक प्लांट से भी कई प्लांट बना सकते हैं। इसके सीड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, फरवरी में मैं बताऊंगी कैसे करना है, और लास्ट ईयर आप अपने गार्डन में इसको ग्रो कर सकते हैं। आप बड़े प्लांट जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो चांदनी के प्लांट हैं या रोज़ के प्लांट में ऊपर ऊपर जाते हैं, और भी हिबिस्कस है और अलमंडा है, मुसेंडा है, इस सब के प्लांट के नीचे भी आप इनको लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग और जल्दी ही कवर कर लेता है पूरा ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए कितने छोटे छोटे से फ्लावर हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो मेरी कैसी लगी मेरी अलाइसम पे मेरी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं, देख रहे हैं आप। ये देखिए इस पे हनी बीज, बटरफ्लाई बहुत आती है आजकल गार्डन में, और अब तो डहलिया ने भी बर्ड्स ओपन कर दिए हैं फ्रेंड्स, तो अब तो बटरफ्लाई बीज बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। ये सब जो येलो कलर के जो फ्लावर होते हैं ना फ्रेंड, येलो कलर के जो फ्लावर होते हैं उसको बहुत ही पसंद करती हैं, बटरफ्लाई हुई, बीज हुई, तो बहुत ज़्यादा इन पे आती हैं और इनका रस निकालती हैं। तो विंटर फ्लावर में जो हमारे इंसेक्ट होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा गार्डन में भरे रहते हैं। कभी कभी तो गार्डन में आने में ही डर लगती है, इतने बीस हो जाते हैं फ्रेंड मधुमक्खी किसे। तो
ये थी मेरी छोटी सी वीडियो अलाइसम पे। पानी का मैंने बता दिया, धूप का मैंने बता दिया, मिट्टी मैंने बता दी फ्रेंड्स, और कैसे जर्मिनेट करते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।